जिसकी अकीदत और मोहब्बत इतना गुलू किया जाए कि उसे उसके अपने मकाम मर्तबे से बढ़ाकर खुदाई के उसमें जो शामिल कर दिया। तो ये बेजा अकीदत और मोहब्बत, तो ये चीज हकीकत में इंसानों को गुमराही मुब्तला करती थी। बहुत सारी कौमें जो शिर्क में मुब्तला हुई वो औलिया सालेहीन और अंबिया की मोहब्बत में गुलू करके जो है वो उन्होंने शिर्क का इर्तिकाब किया। आज भी यही हो रहा है। तो फरमाया अपने दीन में गुलू ना करो और वही बात अल्लाह की तरफ मंसूब करके कहो जो हक है। तो अब असल बात क्या है बतलानी, वो ये कही जा रही है कि देखो ईसा इब्न मरियम बस क्या है कि अल्लाह के रसूल, वो ना तो खुदा के बेटे हैं ना खुदाई में शरीक हैं, अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के कलमे से उनकी पैदाइश हुई। यानी अल्लाह ने कहा हो जाओ हो गए, और एक रूह थी जो अल्लाह ताला ने फूंकी हजरत मरियम के रहम में और इस तरह से मौजाना उनकी जो है पैदाइश हुई। ये सब कुछ जो है अल्लाह की तरफ से हुआ है, यानी एजाजी पैदाइश से मौजाना पैदाइश से कोई शख्स अल्लाह के उसमें खुदाई में जो है शरीक नहीं हो जाता। लिहाजा फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन है, यानी खुदा तीन है। तो इनके यहाँ तीन का वो खुदा और बेटा और रूहुल कुद्स जो है ना होली गोस्ट, तो ये उनके यहाँ खुदा तीन माने जाते हैं, अकानी में सलासा। तो ये अजीब फलसफा है हकीकत में जो आज तक चर्च जो है उस पर बढ़ते चले जा रहे हैं, उसमें झगड़े हो रहे हैं कि तीन एक और एक तीन है। यानी किसी की ये चीज जो है ये मंत्र समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इसके बावजूद गुमराही में लोग पड़े हुए हैं। एक तरफ वो तौहीद का दावा है कि वो खुदा को मानते हैं और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि तीन है और तीनों मिलकर एक है। फरमाया कि तीन न कहो, इससे बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है, और जान लो कि अल्लाह सिर्फ एक ही माबूद है और वो अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं है। अल्लाह ताला इस बात से पाक है कि किसी को अपना बेटा बनाए, सुभाना वो पाक है, यानी वो कोई कमजोर नहीं है, उससे कोई एहतियाज नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, किस लिए उसको बेटे की जरूरत हो। फरमाया कि वो पाक है इस बात से कि कोई उसका बेटा हो, इसलिए कि आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है, और आसमान और जमीन को संभालने के लिए अल्लाह ताला खुद जो है काफी, उसे किसी और की जरूरत नहीं है। फिर फरमाया कि मसीह को क्यों तुम बना रहे हो खुदा या खुदाई में शामिल कर रहे हो, क्या मसीह ने कभी कोई आर महसूस किया इस बात में कि वो अल्लाह के बंदे हैं? अल्लाह को हजरत ईसा ने कभी इस बारे में कोई आर महसूस नहीं किया कि वो एतराफ करें कि वो अल्लाह के बंदे हैं, और ना ही जो मुकर्रर फरिश्ते अल्लाह ताला के हैं उन्हें इस बात में कोई आर है कि वो एतराफ करें कि हम अल्लाह के बंदे हैं, उसके गुलाम हैं, उसके नौकर हैं, उसके चाकर हैं। ये हकीकत में वो सही बात है। तो उन्हें इस बारे में कोई जो है आर नहीं हुआ, उन्होंने अपनी कोई सुर्खी महसूस नहीं की। तुम लोग खामखा बढ़ा के उन्हें खुदाई में शरीक रहो, और इतना सुन लो जान लो कि जो भी अल्लाह की इबादत से अल्लाह की बंदगी से आर महसूस करेगा और तकब्बुर करेगा, अपनी बड़ाई का जो है वो घमंड करेगा, तो इन तमाम लोगों को अल्लाह इकट्ठा करेगा। तो रहे वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए तो उन्हें तो उनका पूरा बदला देगा और अपने फल से मजीद उनको नवाजेगा, लेकिन वो लोग जिन्होंने अल्लाह की इबादत से जो है ना मुंह मोड़ा और यानी अपनी उन्होंने तौहीन समझी और आर अपने लिए समझा और तकब्बुर किया, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला सख्त अजाब देगा, सख्त सजा देगा, और अल्लाह के मुकाबले में कोई उन्हें छुड़ाने और बचाने और मदद करने वाला न मिलेगा। तो फरमाया आखिर में फिर के ऐ लोगो, तुम्हारे पास दलील रोशन आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, और हमने तुम्हारी तरफ बिल्कुल वाज़ह नूर उतार दिया है, यानी वो रोशनी जो तुम्हें तमाम तारीकियों में तमाम गुमराहियों के दरमियान हिदायत का रास्ता दिखाने वाली है। नूर से मुराद यहाँ पे कुरान शरीफ है। हमने वाज़ह नूर वाज़ह रोशनी तुम्हारी तरफ नाजिल कर दी है, तो जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे उसका दामन थामेंगे तो उन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करेगा और फज़ल से नवाजेगा और उन्हें सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करेगा। आगे वही वरासत से मुतल्लिक इब्तिदा में आयत आई थी, उसमें एक मसला रह गया था या उस पर इस्तिदराक हुआ, तो यहाँ पे वो आयत नाजिल हो गई कलाला के बारे में। कलाला का मतलब ये कि लावलद इंसान, तो और लावलद भी हो और साथ ही साथ उसके माँ बाप भी ना हो, तो यानी माँ बाप के होने की शक्ल में भाई बहन को जो है हिस्सा नहीं मिलेगा, इसी तरह से बेटे और बेटियाँ होने की शक्ल में भी भाई बहन को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा कलाला के बारे में एक सवाल हुआ तो उसका जवाब दे दिया गया कि अगर तुम में से कोई शख्स मर जाए इस हाल में कि ना उसका कोई बेटा हो, उसकी कोई औलाद ना हो, सिर्फ उसकी जो है बहन हो,
उसके लिए आधा होगा जो उसने तरका छोड़ा है। बाकी तफसीलात यानी वर्से की वरासत की पहले बयान हो चुकी है, या इसमें अगर मुदय्यन तौर पर किसी के हिस्से की तकसीम हो वो यानी पूछ के जो है जानी जा सकती है। بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الهدي ولا القلائد ولا الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا أجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بندشوں کی پوری پابندی کرو تمہارے لیے مویشی نے جسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو خدا پرستی کی نشانی کو بے حرمت نہ کرو نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو نہ قربانی کے جانوروں پر دست درازی کرو نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خدا بندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہوں نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم یعنی خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہوں ہاں جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو اور دیکھو ایک گروہ نے جو تمہارے لیے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو نہیں جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو اللہ سے ڈرو اور اس کی سزا بہت سخت ہے تم پر حرام کیا گیا مردہ خون سور کا گوشت وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو اور جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جو کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو یہ سب افعال فسق ہیں آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کر دی گئی ہیں ان کی پابندی کرو البتہ جو شخص
जो शख्स भूख से मजबूर होकर उनमें से कोई चीज खा ले बगैर उसके के गुनाह की तरफ उसका मिलान हो तो बेशक अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लोग पूछते हैं कि उनके लिए हलाल क्या है, हलाल क्या किया गया है? कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सजाया हो, जिनको खुदा के दिए हुए इल्म के बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, और जो वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखे उसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता उस पर अल्लाह का नाम ले लो और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो। अल्लाह को हिसाब लेते हैं कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीजें हलाल कर दी गई हैं, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, और महफूज औरतें भी तुम्हारे लिए हलाल हैं, ख्वाह अहले ईमान के गिरोह से हों या उन कौमों में से जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, बशर्ते कि तुम उनके मेहर अदा करके निकाह में उनके मुआफ़िज़ बनो। न ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो या चोरी छुपे आशनाइयाँ करो, जो किसी ने ईमान की रविश पर चलने से इनकार किया तो उसका सारा कारनामा जिंदगी जाया हो जाएगा और वो आखिरत में दिवालिया होगा। सूरतुल माईदा का नाम माईदा इसलिए है कि इसमें एक आयत में आगे जो है माईदा का लफ्ज आया है, वरना ये कोई ना तो इसका मौजू है ना कोई इसके अहम मौजूद में से हकीकत में है, बस एक अलामत के तौर पर माईदा इसका नाम रख दिया गया है। सूरह माईदा तरतीब में जिस तरह से अभी आप पढ़ते चले आ रहे हैं, सूरह बकरा उसके बाद आल इमरान उसके बाद निसा, उसी तरह से सूरतुल माईदा, हकीकत में ये जिस तरह से इनकी तरतीब है कुरान शरीफ में, इसी जबानी तरतीब भी इनकी इसी तरह से सूरह माईदा जो है सूरह निसा के बाद नाजिल हुई। और अब वो वक्त आ चुका था कि मुसलमान अब एकदम से कमज़ोर नहीं रह गए थे, अब उनकी भी एक कुव्वत बन गई थी और इस लायक हो गए थे कि अगर कोई काफिला मदीना के आसपास से गुजरे काफिरों का मुशरिकों का, तो उनके बस में यह था, उनके पास इतनी ताकत थी कि उसको पकड़ लें, उस पर हमला करें। इसीलिए यहाँ पे खास तौर से अहकाम बतलाए जा रहे हैं वो कि जिनका ताल्लुक खाने काबा से है, यानी मुशरिकीन अरब ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतबे अपने आप को का मुतबे समझते थे, तो अगरचे उन्होंने शिर्क किया और बहुत सारे बिगाड़ कर दिए, यहाँ तक कि असल दीन को गुम कर दिया, लेकिन जहाँ तक खाना काबा की हुरमत और उसकी तकदीस की बात है वो करते थे और उसका हज भी करते थे, उमरा भी करते थे, वहाँ पे कुर्बानियाँ ले जाके करते थे, जानवर लेकर जाते थे वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मुसलमानों को ख़ास तौर से ऐसे वक्त में ये नसीहत की गई, समझाया गया कि अल्लाह के घर की या उससे मुतल्लिक जो चीज़ें हैं उनकी बेहरमती ना होने पाए और उन्हें उनका रास्ता न रोको मैं इस वजह से कि उन्होंने तुम्हारा रास्ता रोका है। इसके अलावा और बहुत सारे इसमें फिक्री मसाइल जिनका ताल्लुक इंसान के खाने पीने से है, उनकी ज़िंदगी से, माशरती ज़िंदगी से है, उनकी सियासी ज़िंदगी से है, उनके मुख्तलिफ इबादात से है, तो बहुत सारे इसमें अहकाम मसाइल आए हैं और इनकी नवीयत ठीक वही है जो बिल्कुल इब्तिदा में बतला चुके हैं कि ये इस्लामी रियासत जब कायम हुई तो वक्त के साथ साथ जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होती थी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में, तो उनकी रहनुमाई के लिए मुख्तलिफ अहकाम जो है तदरीज के साथ नाजिल हो रहे थे। तो यहाँ पर फरमाया सबसे पहले कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो अक़ूद को पूरा करो, यानी अहद को और पैमान को, अहद और पैमान को पूरा करो, बंदिशों को पूरा करो। इसी वजह से सूरह को सूरतुल अक़ूद भी कहा जाता है, यानी ऐसी सूरह जिसमें बहुत सारी बंदिशें जो है वो बयान की गई हैं और अहद बयान अहद पैमान का जिक्र हुआ है, तो उन्हें पूरा करो। और इस जुमले सबसे पहली चीज़ बताई गई कि सब तुम्हारे लिए बहीमतुल अनाम यानी मवेशी की नौइयत के जितने जानवर हैं वो हलाल किए गए। एंड आम असलन जो है अलम अरब में उस ज़माने में ऊँटों के लिए इस्तेमाल होता था, जब बहीमतुल अनाम